हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 15 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है प्रदेश में 23 नए तहसीलों का गठन। अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के द्वारा 23 नए तहसीलों के गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना जो है आपके राजपत्र में प्रकाशित किया गया 11 नवंबर 2020 को। 11 नवंबर 2020 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये अधिसूचना प्रभावी हुआ और आपका 11 नवंबर 2020 को इन 23 नए तहसील जो है ये आपके अस्तित्व में आए। ठीक है, 23 नए तहसील 11 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आए हैं। इन 23 नए तहसीलों के गठन के पश्चात प्रदेश में तहसीलों की संख्या, ध्यान समझिएगा, पहले तहसीलों की संख्या थी आपकी 150। 23 नए तहसीलों का गठन हुआ तो इसके पश्चात प्रदेश में तहसीलों की संख्या हो गई आपकी 173। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डाटा दिया गया। कुछ न्यूज़पेपर में आपका 170 बताया गया है, कुछ में 172 बताया गया, लेकिन आपको लेना है 173। ठीक है, तो प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है, 173। नेक्स्ट देखिए, नई बनी तहसीलों में, देखिए ये जो आपके 23 नए तहसील बने हैं, इन 23 नए तहसीलों में सबसे बड़ा तहसील है आपका लालपुर थाना। लालपुर थाना, मुंगेली जिले का लालपुर थाना, ध्यान समझिएगा, 173 तहसीलों की बात नहीं हो रही है, 23 नए तहसीलों में। ये जो 23 नए तहसील जिनका गठन हुआ है, इन 23 नए तहसीलों में सबसे बड़ी जो आपकी तहसील है वो है आपका लालपुर थाना मुंगेली जिले का, जिसके अंतर्गत 93 गांव आ रहे हैं। जबकि सबसे छोटा तहसील है आपका गादीरास, जो कि है सुकमा जिले में। सुकमा जिले के इस गादीरास तहसील के अंतर्गत मात्र 22 गांव आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके हमारे प्रदेश के 15 जिलों में इन 23 तहसीलों का गठन किया गया है। ठीक है, अब ये 15 जिले कौन कौन से हैं, किस जिले में आपके कौन कौन से तहसील का गठन किया गया है, उसका लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मरवाही विधानसभा सीट उपचुनाव। हमारे प्रदेश में जो आपका मरवाही सीट है, उस मरवाही विधानसभा सीट में अभी हाल फिलहाल में आपके उपचुनाव हुए। उपचुनाव क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आपका मरवाही सीट है, इसमें जो आपके विधायक थे वो थे आपके अजीत जोगी जी, जिनका अभी हाल फिलहाल में आपका निधन हो गया। निधन होने के पश्चात ये मरवाही का जो विधानसभा सीट है ये आपका खाली था, तो इस पर हुए आपके उपचुनाव। देखिए, ये जो आपका मरवाही का जो विधानसभा सीट है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपका एसटी आरक्षित सीट है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है ये आपका सीट रिजर्व्ड है। इस पर आपके मतदान हुए आपके 3 नवंबर को इस पर मतदान हुए, और इस पर जो है मतों की गणना यानी कि मतगणना हुई आपके 10 नवंबर को। पहले तो आपका 9 नवंबर डिसाइड किया गया था, लेकिन इस पर आपका मतगणना हुआ आपका 10 नवंबर को। देखिए, वोटिंग इस आपके मरवाही क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल मतदाताओं में से 77.25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, यानी कि उन्होंने वोट डाला। देखिए, इसमें आपके विजयी हुए के ध्रुव जो कि आपके कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, और इस आपके मरवाही विधानसभा सीट उपचुनाव में विजयी रहे आपके के ध्रुव। इनका नाम याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि के ध्रुव किस क्षेत्र, किस आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, तो वो किस विधानसभा क्षेत्र से है, मरवाही क्षेत्र से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बढ़ौना प्रथा क्या है। देखिए, ये जो बढ़ौना प्रथा है, ये फसलों की लुवाई पूरी होने के बाद लुवाई को अंतिम रूप देना, ये कहलाता है बढ़ौना प्रथा। देखिए, बढ़ौना प्रथा ये मतलब फसल से, कृषि से संबंधित एक प्रथा है। जब फसल की जब आपकी लुवाई पूरी हो जाती है, तो अंतिम रूप से जो है लुवाई को जो है अंतिम रूप देना जो है, ये बढ़ौनी प्रथा कहलाता है। ये तो ऐसे चर्चा में ज़्यादा आया नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपके मुख्यमंत्री जी है, उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र ने इस प्रथा को किया, जिसके कारण ये जो है न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट में रहा। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ौनी प्रथा का संबंध कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिए, 5 आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। 5 आयोग हमारे प्रदेश के जो है, आपके 5 आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक राजनीति है। देखिए, ये जो आपके आयोग, जो हमारे प्रदेश में अलग अलग जो आपके आयोग है, उस आयोग पर कोई ना कोई आपका मंत्री जो अभी वर्तमान में मंत्री है, या कांग्रेस की तरफ से जो है, इस कांग्रेस के तरफ से जो है एक नामा जाना एक चेहरा है, तो ये जो है देखिए, इसके अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को आपका कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है जो असंतुष्ट है। देखिए, सुनने में तो अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे संसदीय सचिव का जो पद है, कैबिनेट मंत्री का जो आपका दर्जा दिया जाता है, ये मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव इसलिए लड़ता है कि ताकि वो चुनाव जीते और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने से उन्हें सरकार की तरफ से घर मिलता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है, तो हर कोई मंत्री जो है आपका ऐसा पोस्ट पाना चाहता है।
तो इसके लिए संसदीय सचिव का भी जो है पद लाया गया। हमने जो है लास्ट एक दो लेक्चर से पहले हमने संसदीय सचिव को भी देखा था, ठीक है। हमारे प्रदेश में बहुत से मंत्रियों को संसदीय सचिव का दर्जा दिया गया, उसमें होता कुछ नहीं है, उन्हें केवल लाल बत्ती की गाड़ी और फैसिलिटी, जो फैसिलिटी कैबिनेट मंत्रियों को दी जाती है वही सारी फैसिलिटी जो है आपके इन संसदीय सचिव और कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले जो आपके अध्यक्ष है इन्हें दी जाएगी। इन्हें इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया तो ये कैबिनेट की बैठकों में शामिल होंगे, केवल शिष्टाचार मात्र के लिए इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। शिष्टाचार मात्र का मतलब इन्हें कैबिनेट मंत्रियों को दी जाने वाली सारी की सारी सुख सुविधा इन्हें मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे विधायक जो कि असंतुष्ट थे या फिर जो आपके कांग्रेस की तरफ से एक नामा जाना चेहरा थे लेकिन उन्हें जो है विधानसभा सीट का जो है टिकट नहीं मिला था, तो ऐसे जो आपके नामा जाना चेहरा आपके मंत्री थे जो पूर्व के जो मंत्री है उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो है ये आपका सीट आवंटित किया गया है। देखिए ये किसी भी आपके एक राजनीतिक जो राजनीतिक पार्टी है उसकी ना ही आलोचना की जा रही है ना ही किसी की बढ़ाई की जा रही है, केवल और केवल जो सत्य है उससे आपको रूबरू कराया जा रहा है और ये फैक्ट है, ठीक है। ऐसा रैंक या ऐसा दर्जा देने का कोई मतलब नहीं होता, केवल मंत्रियों को आपका संतुष्ट करने का एक आपका जरिया बस है ये। देखिए हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जो पांच आयोग के जो अध्यक्षों के नाम है इसको आपको याद रखना है। कई बार क्या है मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है, व्यापम में अक्सर ये प्रश्न उठाता है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरी तरीके से लिखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष है आपके महंत राम सुंदर दास। दूसरे है आपके छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जिसकी अध्यक्षिका है आपके किरणमयी नायक। तीसरे है आपके छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जिसके अध्यक्ष है आपके महेंद्र छाबड़ा। चौथे है आपके छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष है थानेश्वर साहू। पांचवे है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, जिसके अध्यक्ष है आपके गुरप्रीत सिंह बाबरा, ठीक। तो ये पांच आयोग के अध्यक्षों को जो है आपके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, केवल शिष्टाचार मात्र के लिए। देखिए नेक्स्ट है आपका मामा भांजा मेला। मामा भांजा मेला, जैसे ही हमारे दिमाग में मामा भांजा शब्द आता है या मामा भाचा मंदिर हो गया या मामा भाचा, तो जहां कहीं भी मामा भाचा शब्द आता है तो हमारा सीधा माइंड जाता है बारसूर की ओर, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जो है आपका मामा भाचा का प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे प्रदेश में जो है एक मामा भाचा मेले का भी आयोजन होता है जो कि बारसूर से रिलेटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसका आयोजन होता है आपके शरद पूर्णिमा के दिन और कहां होता है, महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन जो है मामा भाचा मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस साल इस मेले का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि कोरोना काल था, जिसके कारण ये जो है आपका मेले का आयोजन का परमिशन नहीं दिया गया। ये विशेष क्या है यहां पर जो है आपके जहां पे मामा भाचा मेले का जो आपका आयोजन होता है या ये जो क्षेत्र है इसे ऋषियों की तपोभूमि यानी कि तप करने का स्थल माना जाता है। आज भी वर्तमान में जो है आपके ऋषियों के तप करने वाले स्थल वहाँ पे मौजूद है, उनकी कुटिया मौजूद है, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चूल्हे के अवशेष वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये ऋषियों की तपोभूमि रही है, यहाँ पे प्राचीन एक शिव मंदिर है, यहाँ पर कुछ पत्थर मौजूद है जिसे रगड़ने पर जो है भभूत यानी कि राख, पत्थरों को रगड़ने पर वहाँ से भभूत निकलता है, ठीक है। तो ये है आपका मामा भाचा मेला, ये मामा भाचा मेले का आयोजन कहाँ होता है, महासमुंद जिले में, कोई भी दंतेवाड़ा नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नाम याद रखना है, डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे। देखिए ये जो आपके डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे है इनका संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य जो रहस्य है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य के ये कलाकार है, ये रहस्य को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे प्रदेश का जो लोक नाट्य जो रहस्य है ये जो है आपका विलुप्त तो होते जा रहा है समय के साथ, ये जो लोक नाट्य है ये विलुप्ति की ओर जा रहा है, तो इसके संरक्षण कर रहे हैं आपका डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे जो कि आपके रहस्य का संरक्षण कर रहे हैं, ये रहस्य के कलाकार भी है। देखिए ये जो रहस्य जो है ये हमारे प्रदेश का एक लोक नाट्य है जो कि उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में जो आपकी रासलीला होती है उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन है, उसका जो है आपका छत्तीसगढ़ी वर्जन यानी कि छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है आपका हमारा रहस्य। देखिए ये जो आपका रहस्य जो है श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में वर्णित जो रासलीला है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है यानी कि उसका छत्तीसगढ़ी में मंचन किया जाता है, वो है आपका रहस्य, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में वर्णित रासलीला का। देखिए इसमें जो है आपकी यज्ञ वेदियां स्थापित की जाती है, 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, लगभग 360 दीपक जलाए जाते हैं और रात्रि के 9 बजे तक जो है आपका ये रहस्य का जो है मंचन किया जाता है।
तो देखिए ये जो विलुप्त हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, इसका लंबा टाइम पीरियड, लगातार 9 दिनों तक जो है इसका मंचन होता है। अब आज के इस आधुनिकता के योग में जो है कोई भी व्यक्ति अपने 9 दिनों का समय देना चाहता नहीं है, तो इस कारण जो आपका रहस्य जो है ये विलुप्ति की ओर जा रहा है, तो इसका संरक्षण प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे। इसमें क्या होता है, इस आपके यज्ञ वेदी गोलाकार जो आपकी यज्ञ वेदी रहती है उसमें कलाकार गोलाकार वेदी की परिक्रमा करते हुए श्री कृष्ण शरीर का बखान करते हैं, छत्तीसगढ़ी में श्री कृष्ण शरीर का बखान करते हैं, ये कहलाता है आपका रहस्य। ये जो रहस्य है स्पेशली इस रहस्य का जो मंचन है ये होली के समय किया जाता है, ठीक है, होली के अवसर पर यह रहस्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट। अभी हाल फिलहाल में यूनिसेफ के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपके एक कलाकार है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता है अनुज शर्मा, उन्हें छत्तीसगढ़ का सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया गया है। देखिए ये जो अनुज शर्मा है इनसे रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये पद्मश्री से सम्मानित है वर्ष 2014 में, ईयर याद रखना है, वर्ष 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ फिल्म के अभिनेता है, इन्हें यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये जो आपके जो यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट जो आपके अनुज शर्मा को घोषित किया गया है, ये जो है आपके बच्चों के स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता शिक्षा तथा बच्चों के संरक्षण व राज्य में इनकी जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ की मदद करेंगे। तो ये है आपके अनुज शर्मा जिनका नाम याद रखिएगा, पद्मश्री 2014 सम्मानित। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यूनिसेफ के द्वारा छत्तीसगढ़ में किसे आपका सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया गया है, तो वो है अनुज शर्मा। नेक्स्ट है आपका सरना एथनिक रिसोर्ट। सरना एथनिक का मतलब होता है आपकी नृजाति संस्कृति, यानी कि मानव की जो आपकी जीवन है उससे संबंधित जो आपकी जो रिसोर्ट तैयार किया गया है उनके एक प्रकार से म्यूजियम टाइप का बना करके उनकी जीवन शैली पर आधारित एक गांव बसाया गया है, वो कहलाता है आपका रिसोर्ट, यानी कि एथनिक रिसोर्ट। देखिए स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन योजना है उसके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो पार्ट है, स्वदेश दर्शन योजना आपके पर्यटन क्षेत्र का जो है विकास करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे परिपथ बहुत सारे सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, जैसे राम वनगमन पथ वो भी आपका एक परिपथ एक सर्किट है, जैसे कि बौद्ध सर्किट जैन सर्किट, तो वैसे ही है आपका एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, तो इसी का पार्ट है जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश में सरना एथनिक रिसोर्ट ये आपका इसकी स्थापना की गई है। कहां किया गया है, बालाछापर गांव जशपुर में। सरना ये जो आपका एथनिक रिसोर्ट है इसका नाम सरना क्यों रखा गया, ये जो सरना जो है ये आपके उराव जनजाति की देवी है, उराव जनजाति में पूजे जाने वाली देवी जिसका नाम है आपका सरना, तो इसी के नाम पर जो है सरना देवी के नाम पर इस आपके रिसोर्ट का नाम सरना एथनिक रिसोर्ट रखा गया है। ठीक, देखिए ये जो उराव जनजाति है इसका सर्वाधिक संकेंद्रण आपके इस जशपुर जिले में ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नीली झील। नीली झील कहां पर है, कोरबा जिले में, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बन सकता है, नीली झील किस जिले में है पूछा जाए तो कोरबा जिले में। देखिए यहां पर एक पर्यटन केंद्र है आपके सतरेंगा के पास ही जो है आपके झील और कुछ द्वीपों का समूह मौजूद है जो आपका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये आपके महादेव पर्यटन केंद्र के नाम से ये जो है आपका ख्याति लब्ध है, यानी कि इस नाम से ये फेमस है। तो नीली झील किस जिले में है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपका कोरबा जिले में। ठीक है, तो देखिए अभी ये 15 दिन के जो आपके टाइम पीरियड है इसे बताने के लिए ज़्यादा कोई आपके करंट अफेयर नहीं थे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था तो कोई भी नई स्कीम नहीं आई आपके गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही ज़्यादा कोई आपके करंट अफेयर के कंटेंट आया है। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।